बिल्कुल चुप। आज का व्लॉग होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग नॉस्टैल्जिया फील लेकर जाने वाले हैं कॉलेज मेमोरीज के लैंड में, यानी कि कॉलेज के रैगिंग स्टोरीज के बारे में देखने वाले हैं। एंड सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, जय माता दी। एंड इस व्लॉग के एंड में आने वाला है हमारे फ्लैट पे नोवा। यस, दैट मेरा सफर सिंगर इज माई ब्रदर, इफ यू डोंट नो देन यू नो, एंड इफ यू नो देन मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। जस्ट वॉच टिल द एंड। Alexa, play Jai Ambe Gauri. Jai Ambe Gauri by Anuradha Podwal. Jai Mata Di. तुम्हारे धार्मिक साइड देखकर बढ़ते बात ही खुशी। पाप भी करता हूँ, पुण्य भी करता हूँ। देखा मेरे घर की औरत कितना सिंगार में जाती है। कौन? मेरे घर की औरत है वो। घर की औरत है Alexa. प्रतीक, भगवान से तुम क्या प्रे कर रहे हो आज ना? क्या क्या प्रे किया भगवान, सुन लिया व्यूअर को नहीं बताना चाहिए क्या मांग है क्या नहीं, जब मिलेगा तो पता चल जाएगा। अरे सोसाइटी का इवेंट है, कुछ परफॉर्म वर्फॉर्म करेगा कि तू नहीं? अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं ना हुआ, प्लान तो मैं किया ही था, सिलेक्शन नहीं ना हुआ यार। मोमो बेचना था आपने तो ये है हमारा सोसाइटी, यहाँ बैडमिंटन खेलते वो भी दिखा दो। अच्छा ये हमारा बैडमिंटन, जैसे पिछले व्लॉग में तुम लोगों ने देखा होगा कि बैडमिंटन का शॉपिंग किया है हम लोगों ने खेलने के लिए, उसके बाद से खेले नहीं है। लिंक कहाँ दे रहे हो देवांशु बता दो, डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली। हम लोग थोड़ा सा शांति में आए हैं, भीड़ भाड़ थोड़ा सा हट के, तो पीस आउट करना था हमें। देन ये हमारे सोसाइटी का सेकंड पार्क है, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है। पिछला व्लॉग अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो उस व्लॉग में एक्चुअली हम लोग मेट्रो में व्लॉग कर रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया था। पहले एक पुलिस वाले ने बुलाया, उसके बाद देखते कि तीन चार पुलिस वाले AK-47 लेके आ गया। लाओ लाओ फोन, लाओ फोन, लाओ फोन। मेरे में तो वही कसाब का ही पिक्चर चल रहा था कि ये उसी टाइप का इमेजिन तो नहीं कर लिया कि हाथ पे ऐसे बंदूक लेके जा रहा है। फिर उनको वो डाउट था सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं ये तालिबान से तो नहीं है लड़का? नहीं, मेरा फट गया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया 2000 रुपए का फाइन दिया था, मेरे को लगा कि भाई फिर से गया। 2000 नहीं, इस बार तो टाटा टाटा है। रैगिंग तो नहीं हुआ होगा मेरा? रैगिंग? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कुछ याद आया। प्रतीक थर्ड ईयर में हॉस्टल शिफ्ट हुआ था, एंड सेकेंड ईयर में इन लोगों का हर रोज ड्यूटी था, इनका जो हर रोज ड्यूटी पूरा कर रहा था, बताओ उस बारे में कुछ। फर्स्ट रैगिंग स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशीष नाम है उसका, उसका कुछ अगस्त में बर्थडे था उसका, क्या तो हम लोग उसी टाइम रिसेंटली शिफ्ट हुए थे हॉस्टल, तो वहाँ सीनियर होने का थोड़ा अलग रूल रहता ना कि यहाँ जो जूनियर है वो लोअर पैंट के और हाफ पैंट के नहीं आ सकता। यार मैक्सिमम अभी कॉलेज में होता है, तुमने अगर आकाश मजुमदार का लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया गया था कि बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में ये बेसिक रूल होता है, जो भी जूनियर्स होंगे वो हाफ पैंट नहीं पहन सकते हैं, सीनियर से डायरेक्ट आई टू आई देख के बात नहीं कर सकते हैं, ज्यादा ऐसे फंकी वंकी बन के बार बार करके नहीं जा सकते हैं सीनियर्स के सामने। तुम इसके अगेंस्ट हो? मेरे अगेंस्ट क्यों होना है, इस रूल के अगेंस्ट होना है? तुम इस रूल के अगेंस्ट हो? मैं इतना ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ इस रूल के, मतलब चलता थोड़ा तो भाई प्रिविलेज मिलना चाहिए ना, बट फिजिकल जब हो जाता है देन इट्स नॉट ओके। तो रैगिंग नहीं बोलते, इंट्रो बोलते हैं। हुआ क्या था, उसका बर्थडे था ठीक है, तो वो शिफ्ट हुआ था फर्स्ट फ्लोर, हम लोग थे फोर्थ फ्लोर में। आशीष, तो हम लोग को पता नहीं था कि उसका रूम नंबर पता था, रूम में कौन कौन रहता है ये नहीं पता था, तो जब हम लोग उसके रूम में गए 101 या ऐसा कुछ रूम नंबर था, तो उस रूम में कोई नहीं था, तो ढूंढते ढूंढते 12 बज गया था, उसका बर्थडे था, तो बगल वाले रूम में पहुंचे, वहां वो मिला ठीक है। तो वहां एक सीनियर वो गेट पे ऐसे हाथ रखे, मेरे को नहीं पता था कोई सीनियर है, ऐसे हाथ रख के खड़ा था ठीक है, वो आशीष अंदर बैठा हुआ था, तो उसको हम लोग बोले कि हट 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 बर्थडे है उसका, तो उसको वहां से ले गए ठीक है। उस टाइम वो कुछ नहीं बोला, तो उसका बर्थडे वर्थडे जब नीचे बन गया ना, तो आशीष क्या बोलता है कि तुम लोग को बुला रहे हैं, वो बोला अब कौन बुला रहा है, तो बोलता है तुम जहाँ से हम लोग हमको लेके आया रूम में, वो लोग फोर्थ ईयर का है, वो लोग रैगिंग ले ठीक है, बस ऐसा ही सिस्टम होता है, तुम सीनियर कुछ भी नहीं बोल सकते सिंपल। हाइट क्या हो गया था ना कि मेरे से वो सीनियर पूछा कि इंट्रो इंट्रो लिया, इंट्रो इंट्रो तो हो गया, फिर मैं बात करने लगा, पूछता कि तुमको कॉलेज ये पसंद है, मैं बोला नहीं नहीं पसंद आया, तो वो गुस्सा हो गया कि तू इस कॉलेज में पढ़ रहा है, मैं 4 साल रह लिया, तू बोल रहा है तेरे को पसंद नहीं है, क्यों आया यहाँ, तो मैं बोला नंबर अच्छा नहीं आया तो यहाँ आया। जो अभी 11th 12th में हो ये सब बातें याद रखना, सीनियर से ऐसे इंटरेक्ट कभी नहीं करते, मेरे हिसाब से भाई देखो मेरा नहीं, मेरे को लगा कि सीनियर को जाके तू लोग मार दिया से समझ के, फिर मजा, सबसे बेस्ट तो वो कंटेंट होता ना यार, ऐसा ही हुआ था। मतलब फर्स्ट ईयर में शायद मेरा कॉलेज का पहला या दूसरा दिन था, शर्ट का बटन खुला था, और ऐसा भी कुछ नहीं था, नॉर्मल ड्रेस था, शर्ट का बटन खुला था, और नीचे स्लीपर्स या ऐसा कोई नॉर्मल था, लेकिन शूज नहीं पहना था, सैंडल या ऐसा कुछ था। जो गाली दिया मुझे बाथरूम में बंद करके कॉलेज के पहले दिन में,
जो गाली दिया उसने मुझे, उसके बाद बोला चल जा कल से ये सब नहीं चलेगा। पूरा साल में जूता पहन के गया कॉलेज। तो वो मेरे को ढूंढने आता था, मतलब मेरे रूम तक वो आ गया कि बोलता है प्रतीक सिंह कौन है इसमें। तो आप सीनियर को थोड़ी बताना है कि प्रतीक सिंह है, मेरा नाम तो कुमार प्रतीक है। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई प्रतीक सिंह नहीं रहता। तो वो दो दिन मेरे बारे में पता किया कि प्रतीक सिंह कौन है। तो फिर अगला दिन वो मेरे को आई कार्ड के साथ पकड़ लिया, फिर बोला अरे तुम ही तो है प्रतीक सिंह। बोले नहीं भैया, हम तो कुमार प्रतीक। तो बोलता है तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है। बोले नहीं, मैं इतना बड़ा कॉलेज है, मेरे को और भी हो सकता है ना प्रतीक सिंह, हम तो कुमार प्रतीक है। बोले हम तुम्हीं को ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ढूंढ रहे हैं तो चलिए कहाँ चलना है। उसके साथ कुछ दूसरा सीन हुआ था, कोई मतलब अपोजिट जेंडर का कुछ था। प्रतीक एक इंसान है जो कि अभी ऑल इंडिया वायरल, कोई भी रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसका ही गाना दिख जा रहा है। अलेक्सा परेशान होगी, बस को ट्रेंडिंग में एक गाना बजा दे रही है। अलेक्सा को जब भी बोल रहे हैं अलेक्सा प्ले अ सॉन्ग फॉर अस, वही गाना बजा दे रही है। एंड छोटा मोटा इंसान समझे थे क्या ये लोग हमें? बताओ तुम लोग क्या लगा था? 16,000 सब्सक्राइबर्स है तो तुम लोग छोटा मोटा इंसान समझ रहे थे हम लोगों को? ऑल इंडिया वायरल इंसान को अपने घर पे बुला रहे हैं आज हम लोग। बुला नहीं रहे, व्लॉग में उसको फीचर होना है इसलिए वो आ रहा है। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। ढूंढा Oh my God! Welcome guys, welcome back to my YouTube channel. This is Akbar Engineer, this is IT Engineer, this is Failure. कि मुंबई के लोग दिल्ली आकर शॉक हो गए कि इतना बड़ा घर और इतना बड़ा छत वगैरह कैसे है? शेख हांजी, तुम नोवा के साथ हर टाइम रह रहे हो? अब यही करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले बताओ कैसा उनका बिहेवियर है? हाँ, एक्सपोज करना है उसे हमें। एक्सपोज कर देना है तो वीडियो है मेरे पास। नहीं नहीं, पर्सनल लेवल पे नहीं जाना है, गुस्सा मत निकालना। अच्छा कल रात का एक्सपीरियंस बता दो। रात वाला रे, हाँ तो भाई हम दिल्ली आ रहे पहला बार और वो बोलते रहते हैं, मतलब 1.5 साल से बॉम्बे में रह रहे हैं और बोलते रहते हैं दिल्ली पांच साल रहे सब पता है। हमको लगा ठीक है दिल्ली आए सब कुछ पता होगा, इनको लोकल लोकल पता होगा, मेट्रो यहाँ पे होता है मेट्रो पता होगा। मेट्रो में बैठ तो गए हैं, जाना है इस तरफ, चल गए इस तरफ। और एक दो किलोमीटर नहीं, पूरे 20-24 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। बहुत शेडी सा कैब लेकर आए, कैब वाला पीछे देख रहा था। 10 मिनट के लिए मैं फट गया भैया, ऐसे दिखा नहीं बता रहा था। बता दी अब क्या करें, दिल्ली पहला बार आया, आखिरी हो जाएगा। और रात के बज रहे थे 12-1 बज रहे थे शायद। तो कुल मिला के मजा आ रहा है ना नोवा के साथ? मजा तो आ रहा है यार, काफी मजा आ रहा है। आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम है अपन दो इंटरव्यू देंगे, उसके बाद बहुत ही बढ़िया एक मीटअप होने वाला है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मतलब हम कभी किसी का मीटअप पे नहीं गए। देखते हैं कितने लोग आते हैं। एग्जैक्टली, हां 20-25 आए होंगे, खुश रहेंगे। तो दोस्तों कॉपीराइट आ जाएगा क्योंकि सोनी म्यूजिक को गाना जा चुका है एंड सोनी की वजह से ही हम दिल्ली आए हैं प्रमोशनल कैंपेन। एक न्यू वीडियो आने वाला है मेरा। अरे हाँ, न्यू वीडियो भाई, हम लोग 2 दिन शूट किए, जैसे डार्क सर्कल दिख रहा है ना उसी की वजह से, सो बिना सोए शूट किए, तो वो आ रहा है अगला संडे। और व्लॉग आ रहा है, आज हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड देन मीटअप के लिए। एक और चीज, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अच्छा खाना खिलाना दिल्ली में। अच्छा ये लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, पहले प्लान था कि मेरे साथ लेके जाएंगे, बाद में मुझे बोला गया कि यार रेडियो इंटरव्यू में तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। सेट लाइफ नहीं नहीं खोल के सही लग रहा था। वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं वो मुसाफिर चलता।